Assalamu Dear students, today we are in the lecture number 44 of the Database Management System course. The course code is CS403. And as you know, from last few lectures, we have been discussing the transaction management. The transaction management concerns two main things one is database recovery after the crash, and secondly, the concurrency control. In the previous lecture we started discussion on the concurrency control. Concurrency control means that the problems that may arise due to the concurrent access of the database that should be taken care. And the concurrency control sub mechanism of the DBMS it is responsible for taking care of the problems due to the concurrent access. And as I told you that the concurrency control mechanism focuses only on those problems due to the concurrent access. And as far as the individual transaction is concerned, the concurrency control is not responsible for that. The cons consistency within an individual transaction, yeah, concurrency as a result of the execution of a single transaction, that is the responsibility of the designer, the developer, the programmer. But the concurrent access is managed by the concurrency control mechanism of the DBMS. Then we studied that there are uh, especially three problems that may arise due to the concurrent access, and those problems, if encountered, they may convert the database into an inconsistent state. Or us may say, teen problems may say, we discussed the first one, and that was. दी लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम इन द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम द अपडेट मेड बाय वन ऑफ द ट्रांजेक्शन्स दैट आर एग्जीक्यूटिंग कंक्रेंटली इज लॉस्ट यानी वो अपडेट ऑल दो आपने कमिट कर दिया वो ट्रांजेक्शन ठीक थी इसके बावजूद वो जो उसका इफेक्ट था वो लॉस्ट हो गया जैसे कि वह हुआ ही नहीं और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि आपके डाटा को इन uh, आपके डेटा बेस को इन करेक्ट कर देती है या इनकन्सिस्टेंट कर देती है दैट वॉज वन प्रॉब्लम टूडे वी विल स्टार्ट आर लेक्चर बाय स्टडिंग द रेस्ट ऑफ द टू प्रॉब्लम्स और फिर उसके बाद हमारी डिस्कशन आगे चलेगी तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अनकमिटेड अपडेट अगेन यू सी हियर के यहां हमारे पास द सेम स्टाइल ऑफ

देर आर टू ट्रांजेक्शन एसिक्यूटी अदर ये तो सिर्फ सिम्प्लीफिकेशन के लिए आपको दो ट्रांजेक्शन है वो दिखाई जा रही हैं अदरवाइज जैसे मैंने आपसे कहा कि रियल लाइफ सिचुएशन में बड़े सिस्टम में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में थाउजेंड ऑफ यूजर्स जो हैं दे आर एक्सेसिंग डाटा एट द सेम टाइम तो ट्रांजेक्शन ए की आपको जो ऑपरेशन हैं वो आपको सेकेंड कॉलम में नजर आ रहे हैं उसमें उसने रीड बैलेंस किया और फर्ज करें कि जो बैलेंस था हमारा वो था वन थाउजेंड जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी इनिशियल वैल्यू मीन्स के बिफोर द स्टार्ट ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस फिर ट्रांजेक्शन uh, ए ने बैलेंस में हंड्रेड एड किया ऑब्वियसली जाहिर है कि वो अलेवन हंड्रेड हो गया लेकिन देखें इसके अगेंस्ट जो बैलेंस कॉलम में आपको वैल्यू दिखाई जा रही है दैट इज स्टिल थाउजेंड बिकॉज दिस स्टेटमेंट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस हंड्रेड दैट इज बिंग एक्सिक्यूटेड इन इन रैम मतलब प्रोसेसर में एग्जीक्यूट हो रही है बट द डाटा इज स्टिल इन द रैम It has not been transferred to the database yet. That is why the database contains the thousand as value for the balance. Or the rightmost column is showing the balance value in the database. At time uh, T3, TA writes the value of balance, and uh, so the value of balance is updated in uh, the database, and it becomes 1100. Fine. Okay. Then at time T4, TB

द ट्रांजेक्शन बी तो जो बैलेंस की वैल्यू है दैट बिकम्स टू सिक्स फाइव जीरो फाइन बट एज यू आर सींग एट टाइम टी सेवन ट्रांजेक्शन ए इज रोल्ड बैक अब यह है कि इस ट्रांजेक्शन को तो हमने कैंसिल कर दिया बट जो ट्रांजेक्शन बी थी इट हैज परफॉर्म्ड सर्टन ऑपरेशन ऑन द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू जनरेटेड बाय ट्रांजेक्शन एनि वो अपडेट जो ट्रांजेक्शन ए ने की थी बट लेटर इट अनकमि इट तो उसके बेस पर उसने कुछ ऑपरेशन कर दिए और बल्कि वो वैल्यू लिख भी दी जबकि ट्रांजेक्शन ए जो है दैट हैज बिन रोल्ड बैक तो यह वो सिचुएशन है दैट इट ट्रांसफॉर्म यूर डेटा बेस इन टू एन इनकंसिस्टेंट स्टेट एंड दिस इनकंसिस्टेंसी ज बिन जनरेटेड ड्यू टू दंकरंट एक्सेस ऑफ द ट्रांजेक्शन अगर यह ट्रांजेक्शन एक एक करके एक्सिक्यूट होती तो उस केस में यह प्रॉब्लम ना होता तो यह प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए हो रहा है बिकॉज द डाटा बेस इज बींग एक्सेस्ड कंकर तो यह दो प्रॉब्लम हो गए किसकी वजह से कंकरेंट एक्सेस की तीसरा प्रॉब्लम दैट वी फेस

ऑपरेट कर रही है कोई उस पर ऑपरेशन कर रही है इस दौरान ऐसा होता है कि जिस दौरान ये अभी ट्रांजेक्शन ए चल रही है ड्यू टू प्रोविजन ऑफ द कंक्रंट एक्सेस एक और ट्रांजेक्शन इसमें कुछ चेंज कर देती है ऐसी कि वो पार्ट जिस पे आपकी ट्रांजेक्शन ए ऑपरेट कर चुकी है और वो पार्ट पे अभी ट्रांजेक्शन ए ने ऑपरेट करना है उन दोनों के दरमियान ट्रांजेक्शन बी ऐसी चेंजेस कर देती है कि जो के एक एक रॉन्ग इफेक्ट डाल देता है ऑन द कैलकुलेशन ऑन एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन ए तो इसका मतलब यह है कि वो उस कंक्रंट एक्सेस की वजह से कंक्रंट एक्सिक्यूशन की वजह से आपका जो ट्रांजेक्शन एक ट्रांजेक्शन आपकी जो एनालिसिस कर रही थी एंड दैट वॉज बीन परफॉर्मड ऑन ऑल द रोज और ऑन लार्ज नंबर ऑफ रोज ऑफ द टेबल तो वो जो एनालिसिस हुआ है अल्टीमेटली दैट वुड बी इनकरेक्ट रॉन्ग तो अब एक एग्जाम्पल है यहां पर जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये इनकरेक्ट एनालिसिस जो है वो किस सिचुएशन में कैसे होता वन ट्रांजेक्शन ऑपरेट मेनी रिकॉर्ड्स मीन वाइल एंड अदर मॉडिफाइज सम ऑफ दैम इफेक्टिंग रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट

उनमें कुछ मूवमेंट करती है और ट्रांजेक्शन ए की जो कैलकुलेशन है इट गोज रॉन्ग देखिए कैसे ये आपके सामने आपको स्लाइड पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि इसमें आप देख रहे हैं कि जो ट्रांजेक्शन ए है जिसमें लिखा हुआ ना रीड बैलेंस ए इट मीन्स द बैलेंस ऑफ वन रिकॉर्ड वन क्लाइंट कह लें वन कस्टमर कह लें वन अकाउंट कह लें तो टी पे टाइम टी पे जो ट्रांजेक्शन ए है वो रीड ऑपरेशन के जरिए बैलेंस ए रीड करती है और ब्रैकेट में लिखा हुआ कि फर्ज करें सपोज के जो बैलेंस ए है दैट वॉज फाइव थाउजेंड फाइन टी टू टाइम पे क्या करती है आपकी ट्रांजेक्शन ए कि वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है इस बैलेंस पे कैसे इसको मल्टीप्लाई करती है जीरो पॉइंट जीरो फाइव से और जो इंटरेस्ट की वैल्यू है उसको एक टोटल वेरिएबल में सम कर लेती है और फर्ज करें कि टोटल हमको हमने इनिशियली जीरो किया हुआ था इस दौरान क्या होता है टी फाइव पे जब कंट्रोल शिफ्ट होता है ट्रांज़ेक्शन बी के पास तो ट्रांजेक्शन बी जो है वो वही जो बैलेंस ए जो आपका अकाउंट ए था वहां से बैलेंस रीड किया उसने फर्ज कर वहाँ से उसको फाइव थाउजेंड मिला बैलेंस उसने क्या किया कि बैलेंस ए में से वन थाउजेंड माइनस कर दिया और वो जो वन थाउजेंड माइनस किया था दैट इट्स स्टोर्ड ऑन बैलेंस ए वहां पे जाके वो लेट्स से फोर थाउजेंड स्टोर कर दिया और इसी दौरान ये क्या किया कि ये जो वन थाउजेंड था ट इज एडेड इन टू अनादर अकाउंट लेट्स ए बैलेंस ई हमने कहा कोई अकाउंट से बैलेंस ई उसका आपने लेट से उसकी वैल्यू भी फाइव थाउजेंड थी उसमें ये वन थाउजेंड एड किया और हुआ ये कि वन थाउजेंड एड किया इट बिकम्स सिक्स थाउजेंड और ट्रांजेक्शन बी ने बैलेंस ई e को लिख दिया सिक्स थाउजेंड अब जब दोबारा ट्रांजेक्शन ए की बारी आएगी और ट्रांजेक्शन ए जो है तो बारी बारी तमाम रिकॉर्ड को रीड करती करती वेन इट रीचेज द बैलेंस ई तो देयर इट फाइंड सिक्स थाउजेंड वह सिक्स थाउजेंड पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी और वो उसको अपने टोटल इंटरेस्ट में ऐड कर लेगी अब यहां पे अगर आप एक बात महसूस करें कि वो जो वन थाउजेंड था इट हैज बिन कंसिडर्ड ट्वाइस एक दफा विद इन द बैलेंस ए जो अकाउंट ए था हमारा उसके अंदर काउंट हो गया और दूसरी दफा वो आ गया बैलेंस ई e के अंदर तो ये एरर जो है या जो ये इनकंसिस्टेंट या इनकरेक्ट जो एनालिसिस था वाई इट हैपेंड इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द कंक्रेंट एक्सेस एक ट्रांजेक्शन जो है वो अभी कुछ रिकॉर्ड्स पे ऑपरेट कर रही थी कि उनमें से कुछ में ऐसी इस तरह की मैनिपुलेशन uh, कर दी एक और ट्रांजेक्शन ने कि जिससे जो नेट इफेक्ट था कैलकुलेशन का ऑफ द ट्रांजेक्शन ए दैट हैज बीन स्पॉयड दैट हैज बीन मेड इनकन्सिस्टेंट योर रॉन्ग डियर स्टूडेंट्स ये वो तीन प्रॉब्लम है कि जो होते हैं सिर्फ इस वजह से कि डाटा बेस इज बींग एक्सेस्ड कंक्रंटली तो आपको यानी जो कंक्रेसी कंट्रोल का मैकेनिज्म है उसको समझने के लिए आपको पहले ये चीज़ रियलाइज करनी पड़ेगी कि ये वो तीन प्रॉब्लम है कि जो कि कंक्रंट एक्सेस की वजह से हो रहे हैं और जो कंक्रेसी कंट्रोल का मैकेनिज्म है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो ये तीन सिचुएशंस जो है वो क्रिएट ना होने दें इनको वो हैंडल करता है कैसे हैंडल करता है ये चीज हम अपने अब बाकी लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं यहां से अब जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ सीरियल एग्जीक्यूशन एन एक्सिक्यूशन ऑब्वियसली ऑफ द ट्रांजेक्शन वेयर ट्रांजेक्शन आर एक्सिक्यूटेड इन ए सीरीज एज सीरियल ट्रांजेक्शन इससे क्या मुराद है इससे मुराद ये है कि हमने यह पढ़ा है कि जो एक ट्रांजेक्शन है हमारी उसमें एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं किसी ट्रांजेक्शन में एक ऑपरेशन भी होता है लेकिन ऐसी ट्रांजेक्शन नस्बता बहुत कम होती हैं ज़्यादातर ट्रांजेक्शन में मल्टीपल ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं अब सीरियल एग्जीक्यूशन से मुराद ये है कि आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं चाहे वो दो हैं तीन हैं चार हैं दस हैं पंद्रह हैं बीस हैं सौ हैं जितनी मर्जी है वो तमाम ट्रांजेक्शन ऐसे एक्सीक्यूट हो कि पहले पूरी की पूरी एक ट्रांजेक्शन पूरी की पूरी से बराध यह है कि ऑल द ऑपरेशन ऑफ वन ट्रांजेक्शन फॉलोड बाय ऑल द ऑपरेशन ऑफ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एंड लाइक दैट फर्ज करें कि हमारे पास तीन ट्रांजेक्शन हैं टी वन टी टू और टी थ्री या टी ए टी बी और टी सी कह रहे हैं आपकी मर्जी है अब सीरियल एग्जीक्यूशन से बात दिया है कि पहले तमाम के तमाम ऑपरेशन जो हैं फर्ज करें वो टी टू के हों फिर सारे के सारे टी थ्री के फिर सारे के सारे टी वन के और इससे आपको ये जाहिर हो गया होगा कि जब हम ये कहते हैं कि सीरियल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि एक ट्रांजेक्शन के तमाम ऑपरेशन हों फिर दूसरी ट्रांजेक्शन लाइक दैट तो इससे ये बात आपके जहन में फौरन आ जानी चाहिए कि विद ए गिवन सेट ऑफ ट्रांजेक्शन हमारे पास दो हो तीन हो चार हो देर आर डिफरेंट पॉसिबल सीरियल एग्जीक्यूशंस मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास दो ही ट्रांजेक्शन हो तो दो सीरियल एग्जीक्यूशन पॉसिबल हैं पहले टी वन हो फिर टी टू हो या पहले टी टू हो फिर टी वन हो सो दीज आर टू पॉसिबल सीरियल एग्जीक्यूशन केस ऑफ टू ट्रांजेक्शंस अगर तीन ट्रांजेक्शन हो तो ज़ाहिर इससे ज़्यादा पॉसिबल है कि टी वन टी टू टी थ्री या टी वन टी थ्री टी टू या टी थ्री टी वन टी लाइक दैट कोई भी जैसा कॉम्बिनेशन है वो हो जाए लेकिन सीरियल एक्सीक्यूशन की जो बेसिक प्रॉपर्टी है जो बेसिक उसका एक जो उसका फीचर है वो ये है कि कंप्लीट ट्रांजेक्शन एनी वन इज एक्सीक्यूटेड फर्स्ट एंड एट दैट टाइम नो अदर ट्रांजेक्शन इज बिंग एक्सीक्यूटेड तो कोई भी ऑपरेशन यानी तमाम ऑपरेशन एक ट्रांजेक्शन के फिर तमाम ऑपरेशन दूसरी के एंड लाइक दैट तो इसे हम कहते हैं सीरियल एक्सीक्यूशन सीरियल एक्सीक्यूशन का जो एक बहुत बड़ा उसकी एक फीचर है सीरियल एक्सीक्यूशन का वो ये है कि दिस इज गारंटीड कि जो सीरियल एक्सीक्यूशन है उसमें आपके पास जो है वो इनकंसिस्टेंसी जनरेट नहीं होगी नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि कंक्रंट एक्सेस की वजह से कि आपके पास आपने दस यूजर्स की ट्रांजेक्शन ली उनका कोई सा आपने सिक्वेंसफिट किया फिक्स किया और उसके बाद आपने एक के बाद दूसरी ट्रांजेक्शन एक्सिक्यूट करना शुरू कर दी इन सीरीज इन सीरियल फैशन तो ये गारंटीड है कि इस एक्सिक्यूशन के नतीजे में आपका डाटा बेस जो है वो कभी भी इनकन्सिस्टेंट नहीं होगा बट माइंड इट जो विद इन अ ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंसी है डैट वी आर नॉट वर्किंग अबाउट हीयर ठीक है हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि वो इनकंसिस्टेंसी जो कि एक्सेस की वजह से हो सकती है यानी वो तीन प्रॉब्लम जिसका हमने अभी डिस्कस किया है तो अगर आपके पास सीरियल एग्जीक्यूशन है तो उस केस में ये तीनों प्रॉब्लम नहीं हो सकते क्यों कि ये तीन प्रॉब्लम थे ही इसी वजह से देर वॉज इंटरलीविंग जब इंटरलीविंग नहीं है जब सीरियल एग्जीक्यूशन है तो उस केस में देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दीज थ्री प्रॉब्लम शेड्यूल और हिस्ट्री देखें जब आप के पास मुख्तु ट्रांजेक्शन के ऑपरेशन हैं अगर आप उनको जिस ऑर्डर में एक्सिक्यूट करना चाहते हैं उसको अगर आप लिख लें कि पहले ये ऑपरेशन फिर ये फिर ये फिर ये दैट इज कॉल्ड ए शेड्यूल और हिस्ट्री फॉर टू ट्रांजेक्शन टू सीरियल एक्सिक्यूशन और शेड्यूल आर पॉसिबल जैसे मैंने अभी आपसे बात की है ये हमारे पास दो ट्रांजेक्शन वही जो ट्रांजेक्शन हमने अभी देखी है पीछे जो टी और टी बी देखी है हमने पहले दो प्रॉब्लम्स में उनकी बात हो रही है यहां पर अब जब का फर्स्ट कॉलम है में, वो शो कर रहा है आपको के पहले टी ए हो फिर टी बी हो अब साथ ही जो दूसरा कॉलम है इट शोज यू इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ द बैलेंस एट्रीब्यूट तो क्या हो रहा है सपोज के जो इनिशियल वैल्यू है बैलेंस की दैट इज फिफ्टी तो लिखा हुआ रीड बैलेंस ए मीन के रीड बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन ए बैलेंस की वैल्यू थी 50 उसने 50 रीड कर लिया फिर साहब बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस टेन और जो मैंने यहां पे ए लिखा हुआ है इससे मुराद यह है कि दिस स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ओके आपने 50 में से 10 माइनस किया देन यू सेड के राइट बैलेंस ए यानी ए स्टेटमेंट ए ट्रांजेक्शन के सिलसिले में ए ट्रांजेक्शन के पार्ट के तौर पर राइट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और बैलेंस की वैल्यू लिखी गई दैट वॉज फोर्टी उसके बाद आपने कहा रीड बैलेंस बी ये ट्रांजेक्शन बी ने बैलेंस को रीड किया बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस स्टार टू टू से मल्टीप्लाई किया आपने कहा कि राइट बैलेंस और बी ने बैलेंस को राइट कर दिया तो इसका मतलब है कि जो फाइनल वैल्यू हमें बी की मिली दैट वॉज एटी दिस वॉज वन सीरियल एक्जीक्यूशन फाइन अब अगर दूसरी सीरियल एक्जीक्यूशन को देखें वो क्या है कि टी बी पहले टी ए बाद में अब देखिए रीड बैलेंस बी उसको 50 मिला बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस स्टार टू वो रैम के अंदर 100 हो गया राइट बैलेंस बी यानी बी ट्रांजेक्शन ने बैलेंस की वैल्यू लिखी एंड ए हंड्रेड वार्स स्टोर उसके बाद आपकी जो ए ट्रांजेक्शन थी उसने बैलेंस को रीड किया इट कॉट हंड्रेड ट्रांजेक्शन ए ने बैलेंस में से टेन माइनस किया इट बिकेम नाइंटी इन रैम बट डेटा बेस स्टिल हंड्रेड और फिर जब ट्रांजेक्शन ए ने बैलेंस को राइट right किया इट बिकेम 90। यानी इससे आपको यह अंदाजा हो गया कि हमारे पास जो दो डिफ अगर हमारे पास दो ट्रांजेक्शन हैं एंड वी अडॉप्ट टू डिफरेंट सीरियल शेड्यूल्स, दिस डिफरेंट सीरियल शेड्यूल डिफरेंटली या ये कहें कि डिफरेंट सीरियल शेड्यूल्स के एंड पे उन, उनके एग्जीक्यूशन के बाद जो डेटाबेस की स्टेट है इट मे बी डिफरेंट इट मे बी सेम बट इट मे बी डिफरेंट एज वेल यानी आप ये मत समझिएगा कि अगर हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन हैं तो उनका हम कोई सा भी सीरियल ऑर्डर रखें तो वो हमारे पास जो एंड स्टेट है जो लास्ट स्टेट है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दो सीरियल शेड्यूल्स वो सेम होगी नो no. इसकी कोई गारंटी नहीं है वो सेम भी हो सकती हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं बट

and with a different database state but this is confirmed k serial schedule always leaves the database in a consistent state Ye wo hai jo ab tak aapko yes different serial schedules may result in a different final state database state but serial execution is guaranteed to leave database in a consistent state ई बिकॉज नन ऑफ द थ्री कंकरेंट एक्सेस प्रॉब्लम्स जो पढ़े थे लॉस्ट अपडेट अनकमिटेड अपडेट और इनकंसिस्टेंट एनालिसिस वो तीनों प्रॉब्लम नहीं होंगे हमने इससे क्या लेसन सीखा है सीरियल शेड्यूल इज गारंटीड करेक्ट शुड बी अडॉप्टो बड़ा सा नो दैट विल बी इन एफिशेंट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस एंग्री यूजर्स वाई बिकॉज यूजर्स हैव टू वेट आप अगर सीरीज में कर रहे हैं एक ट्रांजेक्शन है जिसकी बारी थी एक्सिक्यूट करने की उस ट्रांजेक्शन के दौरान यूजर का इनपुट रिक्वायर्ड था यूजर गप्पे लगा रहे हैं कंप्यूटर छोड़ के चला गया चाय पीने लग पड़ा चाहे आप इस तरह की ट्रांजेक्शन को टर्मिनेट भी कर दें बट दैट वी वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई आफ्टर सम टाइम कि हाँ ठीक है मे बी यूजर जो उस हो गया तब आप उसकी ट्रांजेक्शन टर्मिनेट कर सकते हैं बट द थेंगे

तो इसलिए जैसे हमने पहले भी कहा था कि कर्क्रंट एक्सेस इज रिक्वायर्ड बाय एवरीबडी बाय द ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूजर्स और इवन द सिस्टम वूड लाइक ठीक है अगर मेरे रिसोर्सेज हैं तो मैं मैक्सिमम यूटिलाइज हूं तो कर्नक्रंट एक्सेस इज रिकमेंडेड रिक्वायर्ड वी वुड प्रिफर कंक्रंट एक्सीक्यूशन मल्टीपल यूजर एक्सेसिंग डेटाबेस एट द सेम टाइम एन इंटरलिप्ड शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम डिफरेंट ट्रांजेक्शन यानी आप देखें कि पहले हमने बात की थी इंटरलिप्ड ट्रांजेक्शन की अब वही नोशन को थोड़ा सा हमने एक लेवल नीचे कर दिया नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरलिव्ड ऑपरेशन या इंटरलिव्ड शेड्यूल ऐसा शेड्यूल जिसमें डिफरेंट ट्रांजेक्शंस के जो ऑपरेशन हैं वो मिक्स हो रहे हैं और देखें जब हम बात करते हैं कि लेट्स से के आ, हमारे पास दो ट्रांजेक्शन हैं तो हमारे पास दो सीरियल शेड्यूल्स पॉसिबल हैं लेकिन अगर आप जस्ट दो ट्रांजेक्शन्स भी हों और जैसे हमने देखा था कि फ़र्ज़ करें उनमें ऑन एवरेज तीन या चार अगर भी ऑपरेशन हों देन यू कैन डिटर्मिन दिस के इंटरलीव शेड्यूल तो फिर बहुत से पॉसिबल हैं क्यों बिकॉज नाउ वी हैव गॉट लार्जर नंबर ऑफ ऑपरेशन क्योंकि ट्रांजेक्शन दो थी लेकिन ऑपरेशन तो बहुत सारे हैं उनके अंदर तो अगर इनके डिफरेंट ऑर्डर्स में मिक्सिंग करें तो कोई सा भी ऑर्डर जिसमें के एक ट्रांजेक्शन के चाहे वो दोनों बारी बारी हो रहे हो एक के दो एक का एक फिर फिर तीन फिर एक फिर दो फिर चार लाइक like दैट तो जैसी भी मिक्सिंग करें ऑपरेशन की उसमें कोई सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है कि अगर सबके दो दो होने चाहिए सबका एक एक होना चाहिए नहीं वो कोई भी उनकी मिक्सिंग हो सकती है दैट विल बी कॉल्ड एन इंटरलीव शेड्यूल फर्स्ट करिए हमारे पास एक वही हमारे पास ट्रांजेक्शन चल रही है फर्स्ट करें हमारे पास एक ट्रांजेक्शन टी ए है जिसमें है कि पहले रीड एक्स राइट एक्स और कमेट दूसरी है रीड वाई रीड एक्स राइट वाई और कमेट और देखिए फिर वही बात जिसमें मैं पहले भी अफसाइज कर चुका हूं कि दर ऑफ दिज ऑपरेशन विद इन द ट्रांजेक्शन

इसका राइट right वाई जो है वो पहले कर दें और रीड वाई बाद में कर दें दिस यू कैन नॉट डू नो जो आपका कंक्रेंसी हो रही है जो इंटरलीविंग हो रही है वो उनका जो इंटरनल ऑर्डर है यू वो टच इट अदरवाइज आप इनकी डिफरेंट मिक्सिंग कर सकते हैं देखिए अब आप, आपको मैं शेड्यूल्स की एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मिसाल तौर पर यह एक शेड्यूल है और इसमें अगर आप नोट करें तो वी हैव गॉट आर ए एक्स मीन्स के ट्रांजेक्शन ए का रीड एक्स का फिर ट्रांजेक्शन ए का राइट एक्स पे फिर कमिट ऑफ ट्रांजेक्शन ए और फिर सा दूसरा ऑपरेशन इसमें आप चीज डॉट करें कि दिस इज ए सीरियल शेड्यूल क्यों बिकॉज ऑल द ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ए फर्स्ट फॉलोड बाय ऑल द ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन बी सो दिस इज ए सीरियल शेड्यूल अब हमने इसको ऑपरेशन की शक्ल में जो लिख दिया बट दिस इज येट एन अदर सीरियल शेड्यूल क्यों कि ऑल द ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन बी फर्स्ट फॉलोड बाय ऑल द द ऑपरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ए तो दिस इज ऑल्सो ए सीरियल शेड्यूल और दिस इज एन इंटरलीव्ड शेड्यूल क्यों देखें के बी का रीड वाई पे पहले हो गया फिर बी का ही रीड एक्स पे हो गया फाइन उसके बाद ट्रांजैक्शन ए का रीड एक्स के ऊपर उसके बाद ट्रांजैक्शन बी का राइट वाई पे फिर उसके बाद बी का कमेट फिर ट्रांजेक्शन ए का राइट एक्स पे और फिर ए का कमिट सो दिस इज एन इंटरलीव्ड शेड्यूल इन विच यू आर मिक्सिंग ऑपरेशंस फ्रॉम डिफरेंट ट्रांजेक्शन और देखिए ये जो इंटरलीव्ड शेड्यूल है इट इज बेस्ड ऑनली टू ट्रांजैक्शंस अगर हमारे पास तीन चार पांच छह दस पंद्रह सौ हजार ट्रांजेक्शन होती तो आप सोच सकते हैं कि उनकी इंटरलीविंग जो है वो कितना एक मिक्सर टाइप चीज बन जाएगी जिसमें के बहुत सी ट्रांजेक्शन की जो ऑपरेशन हैं वो एक दूसरे के बाद एग्जीक्यूट हो रहे हैं नो यू नो वट इज मेंट सीरियल शेड्यूल एंड वट इज बाय वट इज मेंट बाय एन इंटरलिव शेड्यूल और अब दोनों की जो खास बात और ना खास बात पता गई आपको के दास बात ऑफ सीरियल शेड्यूल इज दैट इट गारंटीज कंसिस्टेंसी बट दैट इज A badly underutilization of the resources. As a result, you are getting angry users. So, this is what is happening in the serial schedule. And when we come to the interleaved schedule, the benefit of the interleaved schedule is that it provides you the concurrent access, the efficient use, use of uh, the resources, and the happy users. बट एट द सेम टाइम इफ नॉट कंट्रोल प्रॉपरली ये आपको दे सकती है वो तीन प्रॉब्लम दैट मे टर्न द डाटा बेस इन टू एन इनकन्सिस्टेंट स्टेट और माइंड अगर हम दोनों सिचुएशन का कंपेरिजन करें वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन में आप यूजर्स की नाराजगी भी बर्दाश्त कर सकते हैं बट यू कैन नॉट अफोर्ड दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप इनकन्सिस्टेंसी बर्दाश्त कर लें ठीक है ना क्योंकि okay. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी केस तो अब इसका मतलब यह होगा कि अब आप आपने करना यह है कि यू आर गोइंग टू अडॉप्ट इंटरलीव शेड्यूल बट यू एट द सेम टाइम यू आर टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट मे जनरेट इफ द कंक्रंट एक्साइस इज नॉट कंट्रोल प्रॉपरली तो आइए देखते हैं कि ये हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं इंटर लिव शेड्यूल प्रोवाइड्स कंक्रंट एक्सीक्यूशन बट Three problems of the concurrent access may be encountered, yes, that we have discussed. We have studied this that we may encounter those three problems in case of concurrent access. But we need to study a bit in more detail that what is the real problem there. See, in case of the concurrent access, there may be three different situations. situation मल्टीपल ट्रांजेक्शन फर्ज करें दो ट्रांजेक्शन सपोज कर लें इफ दे आर राइटिंग इफ दे आर परफॉर्मिंग द राइट ऑपरेशन ऑन टू डिफरेंट वेरिएबल्स यानी दो ट्रांजेक्शन हैं टी ए टी बी टी ए जो है वो एक्स को राइट कर रही है टी बी जो है वो वाई को राइट कर रही है नो प्रॉब्लम एट ऑल मतलब जो कर्कसी कंट्रोल का प्रॉब्लम है उनमें से कोई भी नहीं होगा क्या सिचुएशन है

एंड वन ऑफ दैम इज परफॉर्मिंग द राइट ऑपरेशन दोबारा यानी दो ट्रांजेक्शन हमारी जो हैं वो जो कंक्रंट एक्सिक्यूट हो रही हैं उनके जो कुछ ऑपरेशन हैं दो ऑपरेशन हैं वो एक ही डाटा आइटम को एक्सेस कर रहे हैं और उनमें से कोई एक जो है जो ऑपरेशन दोनों कर रहे हैं उसी डाटा आइटम पर उनमें से कोई एक जो है दैट इज परफॉर्मिंग द राइट ऑपरेशन अगर दोनों भी कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है अगर कोई एक भी कर रहा है तो दैट इज प्रॉब्लम और माइंडेड इस तरह के ऑपरेशन को वी कॉल दम दंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन ठीक है किन को कहें कंफ्लिक्ट ऑपरेशन के दो ऑपरेशन हैं डिफरेंट ऑपरेशन हैं और वो उनमें से सेम डेटा आइटम को एक्सेस कर रहे हैं और उनमें से एक ऑपरेशन जो है वो राइट right है और एक बात मैं आपको बताऊं फिर मैं एक, एक और एंगल से रिपीट कर रहा हूं पुरानी बात ही कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन इट इज नॉट इट इज नॉट रिलेटेड ओनली टू दंकरस द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंफ्लिकिंग ऑपरेशन इट लाइज इवन विद इन दिंगल ट्रांजेक्शन इन एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट को रीड कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं तो वो इवन विद इन द सेम ट्रांजेक्शन भी वो ऑपरेशन जो है दे विल रिकॉर्ड देश मतलब उनमें वो वो वहां भी यू नीड टू गिव स्पेशल अटेंशन टू दो अगेन पहले कह चुका हूं कि दर ऑफ देश विद इन द सिंगल ट्रांजेक्शन विद इन एन इंडिविजल ट्रांजेक्शन दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ दी कंट्रोल मैकेजम अब जब हम बात कर रहे हैं कंफ्लिक्ट ऑपरेशन की नाउ वी आर discussing the conflicting operations in the situation of the concurrent access the situation that is of concern for the concurrency control mechanism so this is the concept of the conflicting operations and on the basis of that we can define the concept of conflicting transactions any ac transactions जिनके दरमियान ऐसे ऑपरेशन हैं जो कि कन्फ्लिक्टिंग हैं और माइंडेड इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए वट डू वी मीन बाय दी कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन दो ऑपरेशंस एंड इन केस ऑफ द एक्सेस ऑपरेशन फ्रॉम डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स एक्सेसिंग द सेम डाटा आइटम सेम ऑब्जेक्ट एंड वन ऑफ दैम परफॉर्मिंग द राइट ऑपरेशन इस ऐसे ऑपरेशन को हम कहेंगे कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन और ऐसी ट्रांजेक्शन्स को जिनमें के ये कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन हैं उन्हें हम कहेंगे कन्फ्लिक्ट सी अब हमने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उस प्रॉब्लम को चॉकआउट कर लिया है कि जो असल प्रॉब्लम है जिसको कि कंकरेंसी कंट्रोल ने हैंडल करना है दैट इज बेसिकली ऑफ द कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन क्योंकि बाकी ऑपरेशन बाकी जो ऑपरेशन हैं दे डू नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम इन द कंकरेंसी कंट्रोल क्यों कि अगर वो डिफरेंट ट्रांजेक्शन हैं और वो डिफरेंट uh, वेरिएबल्स को राइट कर रही हैं नो प्रॉब्लम डिफरेंट ट्रांजेक्शन के ऑपरेशन रीडिंग द सेम डेटा आइटम नो प्रॉब्लम लेकिन जो कंफ्लिक्ट हैं दे रिफ्लेक्ट द थर्ड सिचुएशन और वो प्रॉब्लम है वो आपके लिए इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट कर सकते हैं अब यहां पे जो कॉन्सेप्ट uh, है कंकरेंसी कंट्रोल में दैट इज ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी वो है क्या कि Serializability, जो सीरियलाइजेबिलिटी है इसका कंसर्न ये है कि इट प्रोड्यूस ए सीरलाइजेबल शेड्यूल और सीरलाइजेबल शेड्यूल क्या है एन इंटरलिव शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल इफ द फाइनल स्टेट ऑफ द शेड्यूल इज एकबलेंट टू ए सीरियल शेड्यूल यानी आपके पास डिफरेंट सीरियल शेड्यूल पॉसिबल हैं अब आप अपने इंटरलिव शेड्यूल जो है वो बना लें तो जिस शेड्यूल का की जो फाइनल स्टेट है वो किसी एक सीरियल शेड्यूल के बराबर है उसे हम कहेंगे दिस इज ए सीरियलाइजेबल शेड्यूल चूंकि आपका जो सीरियल शेड्यूल है इट ऑलवेज लीव द डाटा बेस इन ए कंसिस्टेंट स्टेट तो जब आपका एक सीरियलाइजेबल शेड्यूल का जो आउटपुट है वो किसी सीरियल शेड्यूल के बराबर है इसका मतलब यह हुआ कि दैट सिरलाइजेबल शेड्यूल विल ट्रांसफॉर्म द डाटा बेस इन टू ए कंसिस्टेंट स्टेट तो वट इज डिजायरेबल इन दंक्रंसी कंट्रोल के आपका जो कंक्रंसी कंट्रोल मैकेनिज्म है इट शुड जनरेट ए सीरलाइजेबल शेड्यूल या आप ये कह लें कि इट शुड गारंटी इट शुड चेक दैट द इंटरलिव शेड्यूल दैट इज बींग एक्सिक्यूटेड इज सीरलाइजेबल सीरियलाइजेबिलिटी को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है वो ये है कि ए शेड्यूल वेयर कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन आर इन ए सीरियल ऑर्डर ठीक ना अब वो जो अभी हमने डिस्कशन की है कि हमारे लिए जो प्रॉब्लम है कंकरेंसी कंट्रोल के रेफरेंस से वो सिर्फ है जो आपके कंफ्लिक्ट ऑपरेशन हैं इसका मतलब यह हुआ कि आपके जो ऑपरेशन कंफ्लिक्टिंग नहीं है और कौन से ऑपरेशन कंफ्लिक्ट नहीं है वो ऑपरेशन जो के राइट कर रहे हैं डिफरेंट आइटम्स को एक या दूसरी बात यह है कि या वो रीड कर रहे हैं सेम आइटम को तो इन दोनों सिचुएशंस में आपके पास जो ऑपरेशंस की मिक्सिंग है जो उनकी इंटरलीविंग है वो जिस मर्जी ऑर्डर में कर लें उससे कंकरेंसी कंट्रोल का कोई ताल्लुक नहीं है उससे उस कंकरेंट एक्सेस के केस में आपके डेटा बेस की कंसिस्टेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए द कंक्रेंसी कंट्रोल इज नॉट कंसर्न ऑफ नॉन कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन लेकिन जो आपका कंक्रेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म है इट हैज़ टू बी कंसर्न अबाउट द कन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस और ये दूसरी डेफिनेशन है वो ये कहती है कि आपके जो कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं, उनको आप किसी एक सीरियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर दें देखें, जो आपकी सीरियल एग्जीक्यूशन है जो आपका सीरियल शेड्यूल है वो तमाम ट्रांजेक्शन के तमाम ऑपरेशन को जाहिर के खास सीक्वेंस में करता है तीन ट्रांजेक्शन ही फर्ज करें अगर टू वन थ्री है तो पहले तमाम ऑपरेशन टी टू के तमाम ऑपरेशन टी वन के तमाम ऑपरेशन टी, 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 टी थ्री के अब ये सीरलाइजिलिटी थेरी ये कहती है कि आप तमाम ऑपरेशन पहले उनके ना करें उनकी आप कर दें मिक्सिंग जैसे मर्जी मिक्सिंग करें यू गेट एन इंटरलीव शेड्यूल यू गेट द दंक्रंट एक्सेस लेकिन कंसिस्टेंसी को मेक मेकश्योर sure करने के लिए आप ये करें कि जो उनके कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन हैं उनको जब भी करें जब उनकी बारी आएगी तभी तो करेंगे अपने इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के अंदर जब उसकी बारी आएगी ऑपरेशन की जो कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है वो तभी होगा तो उसकी जो एग्जैक्ट प्लेस है वो तो जब मर्जी हो लेकिन जो उनका आपस का ऑर्डर है वो किसी एक सीरियल शेड्यूल के बराबर हो यानी ट्रांजेक्शन हैं आप कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन को चाहे वो वन टू थ्री ऑर्डर में करें या टू थ्री वन में करें या थ्री टू वन जिसमें मर्जी करें लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फर्ज करें कि हमारे पास फर्ज करें तीन ट्रांजेक्शन हैं और उसमें जो कंफ्लिक्ट ऑपरेशन हैं वो मल्टीपल हैं फर्ज करें कोई सी दो ट्रांजेक्शन फर्ज करें टी वन और टी थ्री दे कंफ्लिक्ट ऑन ए वेरिएबल वाई ऐसे फर्ज करें कि टी वन टी टू टी थ्री तीनों कंफ्लिक्ट करती हैं ब्लड से एक्स के ऊपर कोई सी दो और हैं वो कंफ्लिक करती हैं Z के ऊपर अब ये आपके पास यू हैव गॉट कंफ्लिक्ट ऑपरेशन ऑन डिफरेंट डाटा टाइम्स और अमंग डिफरेंट ट्रांजेक्शन जब हम ये बात कहते हैं कि कंफ्लिक्ट ऑपरेशन शुड बी इन सीरियल ऑर्डर इससे मुराद ये है कि जितने भी आपके वेरिएबल्स पे कंफ्लिक्ट ऑपरेशन हैं उन सब में एक ही ऑर्डर होना चाहिए यानी फर्ज करें अगर आप फिक्स करते हैं कि टू वन थ्री यह ऑर्डर होगा तो एक्स पे अगर कंफ्लिक्ट है तो एक्स के केस में भी ऑर्डर टू वन थ्री होना चाहिए अगर वाई पे कंफ्लिक्ट है तो वाई के के केस में भी यही ऑर्डर टू वन थ्री ऐसा ना हो कि एक्स के केस में आप कर दे टू वन थ्री और आप कहिए मैंने एक, वाई में अडॉप्ट कर लिया वन टू थ्री नो नॉट लाइक दैट देखें और उसमें यह भी है कि आपके जहन में यह सवाल आएगा कि हो सकता है कि जो कंफ्लिक्ट है वो तीनों ट्रांजेक्शन में ना हो तो जिसमें नहीं है वो मिस हो जाएगी ज़ाहिर अपनी बारी पे लेकिन वट एवर इज द ऑर्डर दैट विल रिमेन द सेम फॉर ऑल कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन उनका आपने जो भी ऑर्डर होगा वो आपने फिक्स कर लिया वो आप चेंज नहीं करेंगे बाद अब जो दोनों जो डेफिनेशन हैं सीरियलाइजेबिलिटी की या सीरियल शेड्यूल की वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है दोनों जहन में एक सवाल पैदा करती है मिसाल के तौर पर जो पहली डेफिनेशन है जो हमने अभी डिस्कस की है उस डेफिनेशन को देख के एक बात जहन में आती है हाउ वुड वी द सीरियलाइजेबिलिटी जब हम यह कहते हैं कि एक इंटर शेड्यूल का जो फाइनल स्टेट है दैट शुड वीवलेंट टू एनी ऑफ द सीरियल शेड्यूल्स तो क्या हम सीरलाइजिलिटी को ऐसे इंश्योर करेंगे कि पहले हम तमाम पॉसिबल सीरियल एग्जीक्यूशन करा के उनकी फाइनल स्टेट को नोट करेंगे उसके बाद जो भी हम एक इंटरलीव शेड्यूल बनाते हैं उसकी फाइनल स्टेट देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारे इंटरलीव शेड्यूल की जो फाइनल स्टेट है क्या वो किसी सीरियल शेड्यूल के बराबर है तब हम कहेंगे कि यह एक सीरियलाइजेबल शेड्यूल है नहीं ऐसा नहीं होगा और दूसरी बात यह है कि जो दूसरी डेफिनेशन है उसमें आप कहते हैं कि भाई इसको हम फिक्स कैसे करेंगे सीरियल शेड्यूल को क्या पहले तय करेंगे और उसके बाद तो हम ऑपरेशन को रोकते रहेंगे कि नहीं अभी तुम नहीं आ सकते जब तक वो नहीं आएगा दोनों में ऐसा नहीं होगा आप देखेंगे कि जो आपके पास सीरियलाइजेबिलिटी थेरी है उसका आइडिया या उसकी डेफिनेशन तो ये है बट वी एंश्योर द सीरियलाइजिलिटी बाय अडॉप्टिंग सम अदर टेक्निक्स कि जिसमें ये दोनों जो चीजें आपके मतलब एक जहन में आती हैं जो डेफिनेशन से आपके जहन में आ सकती हैं वो भी दोनों नहीं होती टेक्निक्स कुछ और हैं बट दे एनश्योर सीरियलाइजेबिलिटी और माइंडेड अब से आपके जो कंक्रेंसी कंट्रोल का जो मैकेजम का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वो आपके इंटरलिव शेड्यूल की सीरियलाइजेबिलिटी को चेक करे कि जो सीरियलाइजेबिलिटी है इट एनश्योर्स The consistency of the database. आइए आगे, आगे चलते हैं। Now these आर द टू मेजर अप्रोचेस टू इंप्लीमेंट और टू एंश्योर the serializability. एक है लॉकिंग मैकेनिज्म और एक है टाइम stamping। हम इन दोनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे लेट स्टार्ट लॉकिंग मैकेनिज्म लॉकिंग एन ऑब्जेक्ट इज लॉक्ड बिफोर इट परफॉर्म्स एनी ऑपरेशन यानी लॉक से इमराद है कि दैट हैज़ बीन रिजर्वड और लॉक का कॉन्सेप्ट वही है कि जो आप नॉर्मल uh, आपकी रियल लाइफ में लॉक का कॉन्सेप्ट है कि यू अप्लाई द लॉक और आप कहते हैं कि भी ठीक है नो दिस थिंग इज रिस्ट्रिक्टेड वेल बाफ़ा लोग लॉक की परवाह भी नहीं करते लेकिन इन डेटा बेसिस इट इज़ टेकन केयर ऑफ तो आप जब कोई ऑपरेशन करेंगे तो पहले आप उस पर लॉक अप्लाई करेंगे जब आपको लॉक मिल जाएगा जब आपको लॉक मिल जाएगा आपने अप्लाई किया यू द लॉक तो उसके बाद आप वो ऑपरेशन करेंगे दिस इज लॉकिंग मैकेनिज्म टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस सो टू टाइप्स ऑफ लॉक्स जैसे आपको पता हम डिस्कस करते रहे हैं कि वी परफॉर्म नॉर्मली द रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन सो जिस तरह का आपने ऑपरेशन करना है उसी तरह का आप लॉक अप्लाई करेंगे तो टाइप्स कौन सी हैं? शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव तो जो रीड ऑपरेशन आप जब करना चाह रहे हैं ऑन एनी वेरिएबल और एनी ऑब्जेक्ट तो फर्स्ट यू विल अप्लाई शेयर्ड लॉक। इसको शेयर लॉक भी कह दें या रीड लॉक भी कह दें इसलिए बिकॉज शेयर लॉक इज अप्लाइड इन केस ऑफ रीड इसलिए आप उसको चाहे रीड लॉक कहें चाहे तो शेयर लॉक कहें इट मीन द सेम थिंग इसी तरह

उसने लॉक अप्लाई किया किसी एक आइटम के ऊपर फर्ज करें एक आइटम एक्स के ऊपर और उस पर पहले से लॉक नहीं था कोई सा जब लॉक नहीं था एक आइटम पहले से और ट्रांजेक्शन ने अप्लाई किया द ट्रांजेक्शन विल बी बी ग्रांटेड दैट लॉक बाय होम ऑब्वियसली बाय द डीबीएमएस या बाय द कंक्रसी कंट्रोल मैकेनिज्म वो लॉक्स को मैनेज uh, कर रहे हैं। लॉक मिल गया नो दैट आइटम इज रिजर्व दी राइट ऑपरेशन ऑफ लेट्स ट्रांजेक्शन ए लेट्स जबकि अभी यह ट्रांजेक्शन जो है वह अपने ऑपरेशन से फारिग नहीं हुई याट ओवर क्योंकि जब ट्रांजेक्शन खत्म होगी या जब वो ऑपरेशन कर चुकेगी देन दैट लॉक विल बी रिलीज्ड तो कहने मतलब ये का मतलब यह अभी लॉक ट्रांजेक्शन ए का मौजूद था कि एक और ट्रांजेक्शन लॉक के लिए अप्लाई करती है उसी आइटम के ऊपर ये वो सिचुएशन है दैट वी कॉल द कंपैटिबिलिटी ऑफ लॉक्स यानी एक आइटम के ऊपर एक ट्रांजेक्शन को एक लॉक मिला हुआ है और उसी दौरान एक और ट्रांजेक्शन उस पे एक लॉक अप्लाई कर देती है तो अगर तो वो लॉक जो लॉक पहले से था और जो लॉक अप्लाई हुआ है अगर तो वापस में कंपैटिबल है तो दूसरे को भी लॉक मिल जाएगा वरना नहीं मिलेगा नाउ फॉर दिस सिचुएशन वी नीड टू कंसीडर कि वट टाइप ऑफ लॉक वॉज ऑलरेडी अप्लाइड एंड वट टाइप ऑफ लॉक वॉज रिक्वेस्टेड तो यहां से हर लॉक की दूसरे लॉक के साथ जो कंपेटिबिलिटी है वो स्टेब्लिश होती है अब जो आपके सामने इस वक्त नजर आएगी आपको जो एक मैट्रिक्स नजर आएगी वो आपको लॉक्स की कंपेटिबिलिटी दिखा रही है आइए देखते हैं अब देखें जो आपके पास लेफ्ट साइड पे जो आपके पास रो वाइज लिखा हुआ है हमने कहा है कि टी ए ट्रांजेक्शन ए होल्ड ए लॉक ऑन एन आइटम फर्ज करती है ट्रांजेक्शन ए जो है वो पढ़ना चाह रही है और एक और ट्रांजेक्शन भी उसको पढ़ना चाह रही है तो इसके जो पर्टिकुलर सेल है जो वहां पे लिखा हुआ यस इसका मतलब है कि शेयर्ड लॉक इज कंपैटिबल विद शेयर्ड लॉक यानी अगर आपके पास एक ट्रांजेक्शन जो है वो उसने रीड लॉक अप्लाई किया क्योंकि वो रीड करना चाहती है उसने लॉक अप्लाई किया लॉक मिल गया उसने रीड किया लॉक रिलीज नहीं किया था ट्रांजेक्शन बी ने रीड करना है उसने रीड लॉक अप्लाई किया ऑल दो देर वज लॉक बिफोर बट दीज टू लॉक्स आर कंपेटिबल उसको लॉक मिल जाएगा और अब ट्रांजेक्शन बी भी रीड कर लेगी और लाइक वाइज अगर और दो तीन चार पांच छह दस पंद्रह ट्रांजेक्शन आती है दे वॉन्ट टू रीड द सेम दैट आइटम दे वॉन्ट टू रीड जस्ट रीड दे विल अप्लाई द शेयर लॉक और उन सबको मिल जाएगा और आपको याद होगा हमने कहा था कि अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन सेम डाटा आइटम को रीड कर रही हैं देन देर इज नो प्रॉब्लम और वो यहां भी शो हो गया कि इफ मल्टीपल ट्रांजेक्शन वॉन्ट टू रीड द सेम डाटा आइटम ऑल ऑफ देम विल बी अलाउड अलाउड क्यू बिकॉज दे विल बी एबल टू परफॉर्म दैट ऑपरेशन ओनली वेन दे आर ग्रांटेड ए लॉक अगर लॉक नहीं मिलेगा तो ऑपरेशन नहीं कर सकते ओके okay. आगे आप देखें कि अगर ट्रांजेक्शन ए ने लिया हुआ है शेयर और ट्रांजेक्शन बी एक्सक्लूसिव अप्लाई करती है नो नहीं मिलेगा और बाकी तीनों को आप देख रहे सेल्स में नो लिखा हुआ है क्यों इसलिए कि उसमें किसी एक साइड से या दोनों साइड से एक्सक्लूसिव लॉक इन्वॉल्व है एंड यू अप्लाई फॉर द एक्सक्लूसिव लॉक फॉर द राइट ऑपरेशन और यह बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर आपकी दो ट्रांजेक्शन में से कोई एक भी राइट ऑपरेशन कर रही है देन दे आर कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन तो यहां से एक समरिया को यह पता चल गई कि इफ यूव गॉट दी कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन तो उस केस में आप उनमें से किसी एक को राइट करने का अलाउ करेंगे और दूसरी चाहे उसको रीड करना चाहे चाहे उसको राइट करना चाहे यू वॉन्ट अलाउ द सेकेंड वन तो यहां से आपको यह अंदाजा हो गया कि लॉक से जो कंपैटिबिलिटी है वो किस तरीके से आपको जो जो हमारे तीन प्रॉब्लम्स थे उनको अक्र करने से रोकती है कि वो जब तक के कि किसी एक के पास एक्सक्लूसिव है दूसरे को रीड भी नहीं करने देगी राइट right तो दूर की बात है और जब तक किसी एक के पास रीड है दूसरे को राइट right नहीं करने देगी अब सवाल ये पैदा होता है कि फर्ज करें कि आपने लॉक अप्लाई किया ट्रांजेक्शन लॉक अप्लाई किया और वो पहले से उस पर लॉक था और लॉक लॉक्स आर नॉट कंपेटेबल तो फिर क्या होगा फिर यह होगा कि जिस ट्रांजेक्शन ने बाद में लॉक अप्लाई किया है और लॉक कंपेटेबल नहीं है दैट ट्रांजेक्शन विल हैव टू वेट इसका मतलब है कि वो ट्रांजेक्शन जो है इट एंटर्स इन टू ए वेट स्टेट कब तक जब तक के जो आपकी पहली ट्रांजेक्शन है इट डज नॉट रिलीज द लॉक वो कब लॉक रिलीज करेगी वेन इट इज डन जब वो ऑपरेशन कर लेगी या जब वो कंप्लीट हो जाएगी वन एवर तो उस वक्त जो है ना वो लॉक को रिलीज करेगी जब लॉक रिलीज होगा तो फिर चूंकि जो ट्रांजेक्शन उस डेटा आइटम का इंतजार कर रही है लॉक रिलीज होने का फिर क्या होगा कि उस ट्रांजेक्शन को वो लॉक ग्रांट हो जाएगा जब वो लॉक उसको ग्रांट हो गया मिल गया अब वो डेटा आइटम जो है वो रिजर्व हो गया उस ट्रांजेक्शन के लिए अब वो ट्रांजेक्शन जब डेटा आइटम रिजर्व हो गया ऑब्जेक्ट रिजर्व हो गया नॉट दैट ट्रांजेक्शन विल परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन दैट डाटा आइटम और फिर वही बात है कि इस दौरान फर्ज करें येट अनदर ट्रांजेक्शन अप्लाइज लॉक ऑन दैट डेटा आइटम अगेन द कंपेटेबिलिटी ऑफ द लॉक्स विल बी चेक तो अगर तो कंपेटेबल है तो उस ट्रांजेक्शन को भी लॉक ग्रांट हो जाएगा देखिए अगर नहीं है तो फिर वो ट्रांजेक्शन जो है वो वेट करेगी कब तक जब तक कि ट्रांजैक्शन ट्रांजेक्शन लॉक रिलीज नहीं कर देती उनमें कैसे जो आपका लॉकिंग मैकेनिज्म है उसने उसमें एक सीरियलाइजेबिलिटी एक है वो पैदा कर दी है तो जब अगर उसमें सीरियलाइजेबिलिटी पैदा हो गई तो उसमें फिर ये गारंटीड है कि वो उसमें उसमें इनकन्सिस्टेंसी नहीं आएगी डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहाँ वाइंड अप करते हैं आज हमने जो डिस्कशन हमारी वो कर्नक्रंसी कंट्रोल पे चल रही है और इसमें हमने ये देखा कि जो कर्क्रंसी कंट्रोल के बाकी दो प्रॉब्लम थे यानी अनकमिटेड अपडेट और इनकंसिस्टेंट एनालिसिस उनको हमने स्टडी किया और फिर उसके बाद हमने जो सीरियलाइजेबिलिटी थेरी है उसको डिस्कस किया एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि वट इज़ मेंट बाय ए सीरियलाइजेबल शेड्यूल उसके बाद हमने जो कर्क्रसी कंट्रोल के जो दो मेजर मैकेज़म हैं उनमें से लॉकिंग है और टाइम स्टैम्पिंग है हमने लॉकिंग पर डिस्कशन स्टार्ट की है इस डिस्कशन को हम इनशाला कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अल्लाह हाफ़